बट पेरेंट के सामने स्टैंड लेने में डर लगता है, पेरेंट ही हुए तो बाद में ऐसा लगता है कि पेरेंट सही हुए तो बाद में पछताना। हाँ ये तो मतलब ये पेरेंट की प्रॉब्लम नहीं है, आपका खुद का विश्वास नहीं है, यानी कि पहले स्टैंड लेने से पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करें फिर स्टैंड लें। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे अपना पैशन फॉलो करना था तो मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे इस काम के। तो जब मैंने 9.5 लाख का मेरा सीमेंस की कोर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पैकेज लगा था, और उस पैकेज को ठुकरा के मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, तो मेरे पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट थे, दे वर नॉट हैप्पी। हैप्पी नहीं, उन्हें लगता था मैंने चीट कर दिया, उन्हें मतलब धोखा दे दिया उन्हें, ठीक है। उन्होंने अपना जीवन भर लगाया पालने पोसने में, और ये बंदा सेल्फिश हो गया है और ये अपना स्वार्थ देख रहा है बस, ये परिवार का नहीं देख रहा कि अगर ऐसी नौकरी लग गई तो सारे उधार चुक जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बट आई स्टूड फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई बिलीव्ड। प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम आपके आत्मविश्वास की है, उसे पैदा करें पहले। तो आज सब खुश हैं, टुडे दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड, बट उस समय नहीं थे ना। कौन सा साल, अब तो बहुत समय हो गया है। आप देखें कि 2010 में लगा था पैकेज, 13 साल हो चुके हैं उस बात को। तो देखें जरा, यूडिनोमिक पैराडाइम क्या होता है उसको समझते हैं, उसके 7 पिलर क्या हैं वो भी समझने का प्रयास करते हैं। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिर एक एक करके उसको स्टडी करते हैं। पता, ये भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड योर जर्नी एंड योर पैशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, बिकॉज उनकी समझ उनकी कंडीशनिंग से आ रही है, तो जो उनकी समझ के दायरे में नहीं है, आप अगर आशा रख रहे हो कि वो उसे समझें तो आप डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है। तो सभी को अच्छा लगे अगर पेरेंट्स उसका सपोर्ट करें, बट इनिशियली नहीं भी किया था तो मेरे मन में एक भी शिकवा, एक भी गिला, कुछ भी मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं था, क्योंकि मुझमें इतनी समझ उस टाइम पे थी कि ये जो भी कर रही है इनकी कंडीशनिंग से आता है, इनका जो सही गलत है, इनका सही गलत जो है वो उनकी प्रोग्रामिंग से, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके एक्सपोजर से आ रहा है, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो, और डीप डाउन वो क्या कह रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इनके इस बिहेवियर के पीछे जो इंटेंशन है, इंटेंशन इज जस्ट दे आर कंसर्न अबाउट माई सिक्योरिटी, दे आर कंसर्न अबाउट माई फ्यूचर, दैट्स देयर कंसर्न, राइट। तो देखें, ये हैं सेवन पिलर्स ऑफ यूडिनोमिक पैराडाइम। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट कहलाता है ऑटोनोमी, यूडिनोमिक, EUDAEMONIK। फर्स्ट पिलर है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु डजंट केयर दैट मच अबाउट अदर पीपल ओपिनियंस एंड इज कॉन्फिडेंट इनफ टू परसू हिज और हर ओन पाथ इन लाइफ। तो यानी कि अब मुझे समझ में आता है कि उस मोमेंट में मैं ऑटोनोमी को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसको एक्सरसाइज कर रहा था।
इसका मतलब देखिए क्या है कि आप अपने आप को एज एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह देखते हैं, जो समाज के रिएक्शन से, समाज के भेदभाव से, समाज के जो रिएक्शंस होते हैं उन सब से, उनके जो जजमेंट्स होते हैं, इन जजमेंट से जब तोड़ देते हैं आप अपने आप को, तो आप इस स्थिति में आते हैं। डोंट यू थिंक कि हमारे बहुत बार तो हमारे जो फियर्स हैं या हमारी जो सेल्फ डाउट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव स्टेट्स हैं, वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर इस समाज को लेकर के इतना जजमेंट रहता है, लोगों के ओपिनियन से हम इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, वही हमारी किल कर रही होती है हैप्पीनेस को। तो अगर हम ऐसे बन जाएं, ऑटोनोमी को चेज करें अपनी लाइफ में, दैट वी वर्क ऑन आवर सेल्स इन सच अ वे दैट वी डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन, वी डोंट केयर अबाउट देयर जजमेंट्स, एंड वी हैव द करेज। जैसे किसी ने कहा कि डाउट होता है गलत, यानी करेज की कमी हुई ना इसका मतलब। तो अपने पाथ पे बिना दुनिया से प्रभावित हुए अपने पाथ पे चल पाने की क्षमता, ऐसे लोग आपको हमेशा एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस में दिखेंगे। छोटी मोटी रिएक्शन, दुनिया के आसपास के लोगों का ध्यान, ये सब चीजें उन्हें प्रभावित नहीं करती। ठीक है, इसके लिए अगर आप एनएलपी फ्रेम में परसेप्शनिस्ट प्रोजेक्शन देखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम देखें, ये दोनों ही फ्रेम आपको इस स्थिति में डालते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखें, नॉट केयरिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियन डज नॉट मीन दैट यू डोंट केयर अबाउट पीपल। ओके, बिकॉज पीपल आर नॉट जस्ट देयर ओपिनियंस, राइट? देयर ओपिनियंस आर सिंपली रिफ्लेक्टिंग द वे दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, द वे दे हैव बीन ट्रेन टू थिंक, इसको ही बताता है, लेकिन लोग इससे बियॉन्ड है, राइट? सो तो मैं कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट में था अपने माता पिता से उस टाइम पे, लड़ाई झगड़े में थे, तो आई डिडंट केयर अबाउट देयर ओपिनियन, मैंने उनके ओपिनियन का ख्याल नहीं रखा उस मोमेंट में, बट इट डजंट मीन दैट आई डिडंट लव देम। हम एक मिथ लेके चलते हैं कि अगर किसी के ओपिनियन नहीं मान रहे इसका मतलब उस इंसान को भी नहीं मान रहे, तो मेरे दुनिया की मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, फर्क नहीं पड़ता का मतलब सिर्फ ओपिनियन से, इसका मतलब ये नहीं कि लव नहीं है। सो नॉट केयरिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियन डज नॉट मीन दैट यू डोंट लव पीपल, यू डोंट केयर अबाउट देम, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ओपिनियन, कि आप अफेक्टेड नहीं है उनके ओपिनियन से, दैट्स इट। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इमोशंस? इट्स नॉट अबाउट इमोशन, इट्स अबाउट ओपिनियंस। फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरे पेरेंट्स उस समय दुखी हैं, अब मैं आई एम कंसर्न अबाउट इट कि वो दुखी हैं, तो मैं अपनी तरफ से जो उन्हें सांत्वना दे सकता हूँ, जो उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, किया मैंने उस टाइम पे, बट मैंने उनके ओपिनियन को नहीं माना। दे कुड नॉट ब्लैकमेल मी इमोशनली। ओके, आप प्रभावित होते हैं फिर तो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएगा ना। आप उनको हेल्प करें इमोशन को डील करने में, बट डोंट बी मैनिपुलेटेड बाय दैट, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। आगे देखें सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सीक्वेंस में वो जरूरी नहीं है, इन सातों पे काम करने की जरूरत है सस्टेन्ड हैप्पीनेस के लिए। इन सबका कुछ ना कुछ ओवरऑल रोल है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिस व्यक्तित्व में आप इस प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे एक चीज एक और अब आपको बताऊं मैं ऑटोनोमी का एग्जाम्पल, तो कई बार क्या होता है कि आप जब बड़े अपने पर्पस ड्रिवन होते हैं, अपने मिशन में होते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे कहा था कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड एनर्जी है, इसका मतलब आप सेम वक्त पे
सब लोगों को बराबर समय नहीं दे सकते, बराबर एनर्जी नहीं दे सकते। आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, आप प्रायोरिटी बना सकते हैं कि कभी इसको दिया कभी इसको दिया। अब एक चीज जो बार बार सुनने मिलती है जब आप सफल होते हैं, तो एक चीज बहुत मिलती है आसपास के दोस्तों से, अब तू बदल गया है, अब तू वो सफल हो गया ना इसलिए अब तू बदल गया है, अब भाई हमारे जैसे छोटे लोगों के पास कहाँ आएगा ये वो। आई ऑलवेज टेल देम दैट आप, तुम्हारे लिए अगर अच्छे दोस्त का मतलब ये है जो रोज तुमसे बात करे, रोज शाम को आके एक घंटा दो घंटा तुमसे गपशप करे, और रोज वीकेंड पे दो दो पैग लगाए तुम्हारे साथ में, अगर तुम्हारा मतलब इस दोस्ती से है तो आई फेल एज अ फ्रेंड एंड आई कंप्लीटली एक्सेप्ट इट। ठीक है, माई प्रायोरिटी इज माई पर्पस, आई हैव लव फॉर यू गाइज। ठीक है, एज एंड वेन आई गेट टाइम आई डू गेट इन टच। मैं भले ही साल में दो बार मिलूंगा, बट दो बार मिलूंगा तो कम्प्लीटली तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, ऐसे ऐस तरीके से मिलूंगा। हाँ, अगर तुम दिक्कत में आए तो आई विल बी अवेलेबल, इफ यू आर इन प्रॉब्लम देन आई विल बी अवेलेबल। तो कई बार अच्छे दोस्त इन बातों को समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज भी मेरे कोई भी फ्रेंड पार्टीज में मुझे कम बुलाते हैं, उन्हें पता है कि नहीं आएगा, इसलिए हम साल में जब सनबर्न होता है गोवा में तो हम लगभग 15-16 लोगों का एक ग्रुप है जो हम साल में एक बार मिलते हैं बस, वंस, और सनबर्न फेस्टिवल में मिलते हैं जिसमें हम 3-4 दिन पूरी तरीके से साथ में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो हमारा रिचुअल है दैट वी डू। प्रॉब्लम होती है तो दे आर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू देम, राइट? सो नॉट, इट डजंट मीन दैट इफ आई एम नॉट agreeing to their opinion of their idea of friendship, it doesn't mean that I don't care about them, okay? Agla dekha apne, self-acceptance. Next point was self-acceptance. Yahan dekhiye self-acceptance ka matlab, accepting yourself in a holistic way. With your strength and weakness and seeking to improve yourself on a constant basis. हम कई बार ना बड़े अजीब प्राणी की तरह रहते हैं, हम अपना सिर्फ वो पार्ट एक्सेप्ट करते हैं जो पार्ट खूबियों से भरा है, और उस पार्ट को हम हेट करते हैं जिस पार्ट में कमियां हैं। हो सकता है कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हो सकता है कि आप बहुत काइंड हैं, लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन आप दिखने में अच्छे नहीं, तो आप इस पार्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने, इसके प्रति हेट्रेड में रहेंगे, इनसिक्योरिटी में रहेंगे। तो डोंट यू थिंक कि ये गलत बात है कि अपने सिर्फ उस हिस्से को एक्सेप्ट करना, मतलब सोचें कैसा हो कि एक माँ बाप है और उन माँ बाप के दो बच्चे हुए, एक बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, फिट है, दूसरा बच्चा डिसेबल है, मे बी उसको पोलियो है, मे बी उसकी और कोई इश्यू है, उसकी स्पाइन बेंट हुई भी है, मे बी वो बोल नहीं सकता, मे बी वो दिमागी रूप से विकसित नहीं है, तो क्या लगता है एज अ पेरेंट आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्या आप एक बच्चे को तो करोगे, क्या दूसरे को प्यार नहीं दोगे आप? तो हम कई बार वी आर वेरी अनकाइंड टू आवरसेल्फ, हम बहुत बार खुद के प्रति नॉन कंपैशनेट होते हैं, बड़े अनकाइंड होते हैं, स्पेशली उस पार्ट से जो पार्ट वीक है, कमजोर है, गलतियों से भरा है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को होलिस्टिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो बुरा पार्ट है वो भी मेरा ही हिस्सा है, ये जो अच्छा पार्ट है
वो भी मेरा ही हिस्सा है, ये दोनों मेरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं और मेरे ही हिस्से हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस के साथ कि यस मेरा एक बच्चा डिसेबल है, मेंटली रिटार्डेड है, ये इश्यू है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि एक्सेप्टेंस का मतलब कि मैं उसका इलाज नहीं कराऊंगा, मैं इलाज तो कराऊंगा ना, ऐसे तो नहीं जीने दूंगा उसे। बट फर्क है हेट करके फिर काम करना और एक्सेप्ट करके काम करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। तो आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे अगर एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर अपनी कमियों पे काम करेंगे, तो आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, अदरवाइज यू विल कीप हेटिंग योर अदर पार्ट। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द फाउंडेशन, उसके बाद में सेल्फ लव ब्लॉसम होता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी तो सेल्फ लव आएगा, बिना स्वीकार किए प्यार नहीं कर सकते आप। कि आप घर पे पिताजी को एक लड़का दिखाने गए, ये बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और पिताजी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो उस लड़की से या उस अपने दामाद से या बहू से प्यार भी नहीं करेंगे। लेकिन एक बार एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी मेरे पॉडकास्ट पे एक अनुभव करके आए थे जो बहुत अच्छे पॉइंट हैं, लगभग 1 मिलियन लोग उन्हें इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, तो वो और उसकी वाइफ आए थे, तो उनकी लव मैरिज थी। शुरुआत में बड़े अगेंस्ट में थे पेरेंट्स लड़के के कि नहीं कराएंगे शादी, एक पंजाबी फैमिली एक बनिया फैमिली, तो जो एक नेचुरल रेजिस्टेंस पेरेंट्स में इंडिया में रहता है ज़्यादातर, तो वो था। लेकिन आज कहते हैं कि आज अपने दामाद को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है प्यार के लिए, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस से सेल्फ लव पैदा होता है, और जब सेल्फ लव पैदा होता है तो ऑटोनोमी अपने आप आ जाती है, लोगों की बातों से आप प्रभावित हों ये अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि आप अंदर से एक सिक्योर इंसान है, आप इनसिक्योर इंसान नहीं है। हम लोगों की बातों से, ध्यान रखिएगा अब जो कह रहा हूँ गहरी बात है, आप किसी भी इंसान की बात से सिर्फ तभी प्रभावित हो सकते हैं जब डीप डाउन उस बात को आप अंदर से सच मानते हैं। कोई मुझे आकर के बोले कि भाई तू बिल्कुल मूर्ख आदमी है, मैं इस बात पे तभी रिएक्ट कर सकता हूँ और मैं इस बात पे तभी हर्ट हो सकता हूं अगर डीप डाउन किसी कोने में मेरे अंदर भी ये रखा हुआ है कि मैं मूर्ख तो नहीं। जब मेरे में ये इनसिक्योरिटी है तो ही मैं ट्रिगर हो सकता हूं, अदरवाइज मैं ट्रिगर नहीं होऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव, ये सेकेंड टूल है जो आपके अंदर एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस लेकर के आएगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रिगर तोड़ देंगे आप दुनिया के आसपास के जो आके आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करते हैं, आगे का क्या पॉइंट था, तीसरा पिलर देखें, थर्ड पिलर इज हैविंग पर्पसफुल लाइफ, एक पर्पसफुल जिंदगी जीना, यानी कि ये सेंस कि मेरी लाइफ एक हायर मीनिंग है, मेरी लाइफ का मैं जो काम कर रहा हूं इससे एक हायर मीनिंग फुलफिल होता है, हैविंग दैट सेंस ऑफ मीनिंग, है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस परसेप्शन होना चाहिए वो बहुत है। तो डिस्कवरिंग समथिंग मीनिंगफुल, ऐसा कुछ मीनिंगफुल खोजना जो आपके सांसारिक प्लेजर से बियॉन्ड है, वो एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस देता है आपको, हर रोज खुश रखता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फेलियर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेन, आप पेन प्लेजर की साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, तो आप सस्टेन्ड करते हैं उस हैप्पीनेस को। तो ऐसा कुछ ढूंढें जो आपके और आपके परिवार के बियॉन्ड है, ऐसा कुछ डिस्कवर करें जो आपके और आपके परिवार के बियॉन्ड, कुछ ऐसी चीज जो आप कर सकते हैं और जिसे करके आपको बेहद फुलफिलमेंट मिलता है। मुझे बताएं कि सपोज मैंने किसी की
हेल्प करी, या फिर सपोज मैंने एक किताब लिखी और वो जो किताब मैंने लिखी है, इस किताब को ना अभी तक किसी ने पढ़ा है, सिर्फ मैंने लिखी है, इस लिखने के प्रोसेस में मैं इतना इंजॉय किया हूँ, अब ये सेंसरी तो नहीं है, ये प्लेजर तो नहीं है, ये फुलफिलमेंट है। ठीक है, इसमें मेरा कोई सेंस नहीं इन्वॉल्व हो रहा है प्लेजर के इसके अंदर, राइट? कोई सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं है ये, राइट? सो दिस इज अ फुलफिलमेंट, ये सस्टेन्ड है। अब किताब चाहे फेल हो, किताब चाहे बढ़िया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पर्पस मीनिंग फाइंड करने का कोई एक कोई फॉर्मेटेड वे नहीं है। इट जस्ट दैट कि आप पहले लिस्ट बना लें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, उसको करने लगे और करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता चल, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट। ईकिगाई वगैरह ये सब कोई काम नहीं करते, पर्पस पेपर पर नहीं खिला करते हैं। ठीक है, पर्पस जब जिंदगी में एक्सेप्ट, क्या गांधी जी ने ईकिगाई करी थी क्या, या कैलाश चतुर्थी या सब मलाला यूसुफ जाई ने ईकिगाई करी थी? मैंने कोई ईकिगाई नहीं करी अपनी लाइफ में। ठीक है, कहने को ये सब पेपर पर लिखनी अच्छी बात है, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी देने के लिए बढ़िया चीज है। पर्पस अनलॉक होता है आपके अंदर से, आपके जीवन में होने वाली घटनाएं आपको गाइड करती हैं, डाइवर्जन का काम करती हैं, उन घटनाओं के जरिए बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लेते लेते आप अपने पर्पस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मलाला यूसुफ़ज़ई गुड एग्जांपल नहीं है तो क्या है गुड एग्जांपल? ठीक है, जो लड़की अपने ब्रेन के आर पार गोली लग जाने के बावजूद भी आज एक नोबेल पीस लेके बैठी है, किसी भी इंसान के बारे में राय बनाने से पहले उसको गहराई में पढ़ा करें, उसके बाद अगर राय बने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखें जरा कि पर्पस और मीनिंग, मगर मैंने कहा कि सबसे पहले तो है बिलीव, वो क्या है, कैसे आप करेंगे वो बात की बात है। फर्स्ट, डू यू हैव अ बिलीव दैट माय लाइफ हैज अ हायर मीनिंग? भले ही पता नहीं चल रहा है, बट इतना तो पता चल रहा है क्या कि मैं सिर्फ ये कि वो चिड़िया वाली जिंदगी करने के लिए नहीं बनाऊंगी। चिड़िया भी तो रोज सुबह घोंसले से निकल जाती है, एक चिड़िया रोज सुबह घोंसले से निकल जाती है, दाना लेकर के शाम को घोंसले पे आ जाती है, बच्चों को दाना दे देती है, बच्चों को उड़ना सिखा देती है और आगे अपने बच्चे पैदा कराना भी करा देती है। अभी तो हमें और उसमें क्या फर्क रहा है फिर? ये जो आपकी इतनी बड़ी सेरेब्रल कैपेसिटी मिली है आपको, आपको जो सेल्फ कॉन्शियसनेस मिली है, फिर इसका क्या किया अगर वही चिड़िया वाली जिंदगी जी? तो हम भी सुबह टिफिन लेके निकल गए, दाना लेके आ गए घर पे और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई के लायक बना दिया, उड़ना सिखा दिया, हो गया काम। आपने क्या अलग किया? ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लेकिन आप अगर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो गिफ्ट हैं आपके। नेचर हैज बीन पार्शियल, मदर नेचर आपके प्रति पार्शियलिटी करती है, मतलब कि आपको जो जो गुण दिए हैं ऐसे गुण नेचर ने किसी भी स्पीशी को नहीं दिए। आप जैसे आंखें देखें तो आंखें आपको पूरे एवोल्यूशन में बहुत सारी जगह दिखाई देती हैं, कान बहुत सारी जगह दिखाई देते हैं, नोज बहुत सारी जगह दिखाई देती है, लेकिन इंटेलेक्ट दिखाई नहीं देगी आपको। आपके लेवल की जो इंटेलेक्ट है, इसे हार्ट प्रॉब्लम ऑफ एवोल्यूशन भी बोलते हैं, कि सब चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है, सारे सेंसरी ऑर्गन रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी स्पीशीज में मिल जाते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मिली है बस। इसलिए तो कई वैज्ञानिक आजकल ये भी कहते हैं कि हम ही एलियन है, आप एलियन कहां ढूंढ रहे हैं, आप ही एलियन है इस प्लेनेट, इस प्लेनेट के सभी जीवों को देख लें, सबसे अलग आप ही तो हैं। तो
उस पे नहीं जाते, वापिस आ जाते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस में। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, और जो तीसरा पॉइंट हमने देखा, तो ये पिलर्स पे अगर आप चलने लगेंगे, इफ यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दीज पिलर्स, कि आपको पर्पस भी है, आप में सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है, एक हायर मीनिंग आप अपनी लाइफ में देखते हैं, और आप ऑटोनोमी में भी हैं, तो ये तीनों चीजें आपको मदद करेंगी। अब आए चौथी चीज पे, लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है पर्सनल